दखरवा में पुलिस ने हाथापाई कर आरोपी प्रधानपति को छोड़ा। आपको बता दें, दखरवा चौराहे में संचालित इंडियन बैंक से एक मामले में आरोपी प्रधानपति को पकड़ने गई पुलिस और आरोपी के बीच बैंक के बाहर हाथापाई हो गई। इस बीच वहां पर मौजूद उसके समर्थक पुलिस से भिड़ गए और जमकर बवाल काटते हुए आखिरकार पुलिस से आरोपी प्रधानपति को छुड़ाकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत लखनियापुर के प्रधानपति अनीस अहमद उर्फ हाफिज जी के विरुद्ध ग्राम पंचायत की एक महिला ने जमीन संबंधी मामले को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको लेकर पुलिस उसे पकड़ने गई थी। हालांकि मामले में ढकरवा चौकी इंचार्ज लाल बहादुर मिश्रा की तहरीर पर थाना पुलिस ने अनीस अहमद, सबदार अली हंसनू तथा इरफान समेत 4 लोगों को अरेस्ट में ले लिया और 10-15 लोगों पर FIR दर्ज कर दिए, क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ की थी और सरकारी काम को रोकने के लिए लड़ाई करी थी। हाई टेंशन तार गिरने से आवारा गौवंश की मृत्यु। आपको बता दें, खमरिया खुर्द के एक गांव में आवारा गाय की हाई टेंशन तार गिरने से लगी करंट, उसकी हो गई तुरंत मौत। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए लगातार। मैगलगंज के सतरपुर गांव के पास में हुई दुर्घटना, एक पेट्रोल पंप कर्मी का हुआ एक्सीडेंट और उसे अस्पताल ले जाते हुए उसकी हो गई मृत्यु। आपको बता दें, मैगलगंज के पास सतरपुर में एक पेट्रोल पंप है जहां पर उसके बाइक की टक्कर हो गई और उसकी हो गई है मौत। बिजली की किरण लगने से 11 वर्षीय युवक की हुई मौत। आपको बताते चले, मूसेपुर के गांव में मुराद अली के घर के पास लगे खंभे को जब एक 11 साल के युवक ने उसे टच किया तो उस पर उतर आई करंट। उसे करंट लगने से उसकी हो गई तत्काल मौत। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना के गायघाट इलाके में एक अजीबोगरीब दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक रात को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया, लेकिन लड़की के परिजनों और स्थानीय लोगों ने युवक को चोर समझकर बहुत मारा। अस्पताल ले जाते हुए उसकी हो गई मौत। 39 जातियां अब होगी OBC में शामिल। बिल पास होते ही योगी सरकार ने कर ली तैयारी। संसद के दोनों सदनों में OBC जातियों संबंधी संविधान संशोधन के पास होते उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सक्रिय हो गई। आगामी विधान चुनाव के लिए उन्होंने OBC को 39 जातियों में संशोधन किया। आज से 4 दिनों तक बैंक रहेंगे बंद। ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियां, नहीं तो अटक जाएगा आपका काम। आपको बता दें, लगातार 4 छुट्टियां हैं तो आप अपनी लिस्ट चेक कर लें कि बैंक बंद तो नहीं, फिर जाएं बैंक, क्योंकि 4 दिनों तक रहेगी रेगुलर छुट्टियां। शराबी पति ने चाकू से गोद कर दी अपने पत्नी की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी को लिया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश जिले बरेली के इज्जत नगर में डेली पार मंदिर के पास जुग्गी में रहने वाले दंपति ने कर दी अपनी पत्नी की हत्या। आपको बता दें, चाकू समेत मौके से फरार हो गया था। राखियों में सज गए हैं बाजार, बहनें अब मुफ्त में करेंगी सफर। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस बार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी बहनों को एक तोहफा दिया है। जो बहनें अपने भाई से दूर हैं और राखी बांधने के लिए जा रही, उनके लिए अब बस का किराया नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट स्कूल 16 अगस्त से 50 क्षमता के साथ खुलेंगे और 1 सितंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने 5 अगस्त से कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों को दाखिला की और 9 टीम में बैठक की और निर्देश दिए कि सभी कॉलेज और स्कूल अगस्त में और सितंबर के लास्ट तक कॉलेज और स्कूल खोल दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के एक शख्स ने बनाया हेलीकॉप्टर, टेस्टिंग के समय ब्लेड से गला कटने से हुई मौत। आपको बता दें, पुलसावंगी महाराष्ट्र में परीक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर के ब्लेड से गला कटने के बाद 14 वर्षीय स्कूल ड्रॉप आउट शेख इस्माइल की मौत हो गई। इस्माइल के दोस्त सचिन के अनुसार 3 इडियट के रेंचों से प्रभावित इस्माइल 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से स्टील पाइप से बने हेलीकॉप्टर का अनावरण करने वाला था, यानी कि टेस्टिंग करने वाला था। इस्माइल ने यूट्यूब से हेलीकॉप्टर बनाना सीखा था।